हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम 29 और 30 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यह हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भारत देश में एक नई संसद भवन बन के तैयार हो चुकी है। 970 करोड़ रुपए लगे हैं इस पे और 29 महीने में ये कंप्लीट संसद बनके तैयार हुई है। 10 दिसंबर 2020 को पुराने संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था, उसकी नींव रखी गई थी और इसका जो डिज़ाइन है वो विमल पटेल ने तैयार किया है। पहले वाली जो बिल्डिंग थी वो गोल थी, लेकिन अब वाली बिल्डिंग जो है ना वो ट्रायंगुलर है और ट्रायंगुलर करने की वजह थी ताकि स्पेस को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। नई संसद भवन है, उसके बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है और उसके बीच में या उसके ठीक ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। एक साइड वहाँ पे लोकसभा का सेरेमोनियल हॉल है और एक साइड वहाँ पे राज्यसभा का हॉल है। अगर बात की जाए जब एंट्रेंस की, तो यहाँ से एंट्रेंस होते ही इंडिया की आर्ट एंड क्राफ्ट की सजावट दिखाई देती है। श्लोक जो है ना भारतीय लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे एक डिजिटल कॉपी भी रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको विजिटर पेज पेज करके एक एक पेज करके पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा लोकसभा के अंदर जब एंटर करते हैं तो एक साइड का रास्ता लोकसभा के लिए है, दूसरी साइड का रास्ता जो है वो राज्यसभा के लिए है। यहाँ पे मोर के बेस्ड की जो है ना वो डिज़ाइन या आकृति बनी हुई है कंप्लीट। मतलब थीम अगर पूछा जाए लोकसभा की किसकी है, तो लोकसभा की थीम जो है ना वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पे है। और इस हॉल के अंदर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो है, हर डेस्क के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं। और इसके अलावा लोकसभा के अंदर टोटल 888 सांसद बैठने की व्यवस्था है ताकि भविष्य में कोई और सांसद बढ़े भी तो बैठ सकेंगे यहाँ पे। नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसके लिए जो कंबाइंड सेशन लोकसभा और राज्यसभा का जो होगा ना वो लोकसभा के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे। और जो राज्यसभा है उसका जो थीम है वो कमल के बेस पे है, तो वो मोर था ये कमल के बेस पे बनाया गया है स्पेशली। इसमें भी हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो लगाई गई है, इसमें भी हर डेस्क के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। राज्यसभा में भी 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। और इसके अलावा जो है ना नई संसद की फिनिशिंग के लिए जो लकड़ी का काम है वो काफ़ी कम हुआ है। फर्श पर यूपी की भदोही के हाथ से बुने हुए कालीन है वो बिछाए जाएंगे। इसके अलावा नई बिल्डिंग जो है ना 5-स्टार प्लेटिनम रेटेड है और सभी स्मार्ट फीचर है इसके अंदर। इसके अलावा भूकंप से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोन 5 पैरामीटर पे डिजाइन किया गया है, भूकंप से कम खतरा है इसको। इस इमारत को आने वाले 150 सालों की जरूरतों को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, तो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी इमारत है। 970 करोड़ रुपए का खर्चा है, टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट जो कंपनी है इसके तरफ से इसको बनाया गया है कंप्लीट। इस पे लगभग 63,807 मैट्रिक टन सीमेंट है इसका इस्तेमाल हुआ है, 26,000 से ज़्यादा मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, लगभग जो है ना 10,000 क्यूबिक मीटर के आसपास फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर कुछ ऐसे पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर जो सुपीरियर लेवल के हैं उनको यहाँ पे सजाया गया है। चलो सर, ये तो सारी बात ठीक हो गई है, लेकिन भारत सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। नई संसद भवन का निर्माण भी इसी मेगा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नया संसद भवन बनने के बाद अब पुरानी इमारत को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बदल दिया जाएगा, वो म्यूजियम बन जाएगा फिलहाल के लिए। भारत के जो पुराने संसद भवन को जो तैयार किया था ना वो किया था एडविन लुटियंस ने, क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया है, और हर्बर्ट बेकर के साथ में थे। 1912-13 में डिज़ाइन किया था, लेकिन बनाना इसको स्टार्ट किया गया था 1921 के अंदर। ये इमारत 5 साल में बन के तैयार हुई और 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरवन ने जो है ना उस टाइम पे इसका उद्घाटन किया था। पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जिसके बाहर जो है ना सैंडस्टोन के 144 स्तंभ तो लगे हुए हैं, बीचों बीच एक गोल गुबंद वाला सेंट्रल हॉल है और यहाँ संयुक्त सेशन में दोनों सदनों के सांसद एक साथ बैठ जाते हैं। इस बार ये है नहीं, इस बार लोकसभा में बैठ जाएंगे दोनों एक साथ।
नए संसद भवन की जरूरत ही क्यों पड़ी? 95 साल पुराने संसद भवन की जो स्टेबिलिटी है उसको लेके बहुत बार सवाल उठ चुके हैं। पुराने संसद भवन को बनाते टाइम पे ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा लोकतंत्र होगा, तो बैठने की जगह भी नहीं थी। इसके अलावा जो बेसिकली मूलभूत सुविधा होती है, जैसे कि पानी की सप्लाई हो गई, सीवर लाइन हो गई, एसी कहिएगा, सीसीटीवी कहिएगा, ऑडियो विजुअल सिस्टम कह दीजिएगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो खैर उस ज़माने में इतनी थी भी नहीं, तो एक प्रकार की कमी थी। एक प्रकार से पुरानी इमारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना पड़ गया है। इसके अलावा जो है ना, जब पुरानी इमारत बनाई गई थी तो दिल्ली में सिस्मिक जोन भूकंप का 2 था यानी कि, और अब ये 4 हो गया, तो यानी भूकंप रोधी होना भी एक अपने आप का बहुत बड़ा सवाल था। ऐसे पुरानी पुरानी ऑडियो डिवाइस लगे हुए थे, तो इस करके इनको भी चेंज करना था। कर्मचारियों के लिए काम करने की जगह जो है ना वो बहुत ही कम थी, तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा थे, जगह बहुत कम थी, तो उसका भी एक मेन पॉइंट आ रहा था सामने। ठीक है, तो इसी करके हमें एक नई संसद भवन की ज़रूरत पड़ी थी। चलिए, ये हमारी भारत की संसद का एक वर्चुअल टूर था, तो आप लोगों ने इसके मेन पॉइंट है वो जान लिए हैं। आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर है कि मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति राशि है इसको बढ़ा के टोटल कर दिया 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। पहले ये 9वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चे जो है ना उसके अंदर 7,000 रुपये मिलते थे ये, और 10वीं 11वीं से 12वीं में 1,750 मिलते थे, और जो हायर एजुकेशन है उसके लिए 8,500 मिलते थे। अब इन तीनों ही श्रेणी के अंदर बढ़ा के कर दिया 10,000 रुपये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी एग्जाम के लिए जो आपको जरूर याद करनी होगी। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड श्रमिक है और शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके बच्चों से सीएम की विशेष चर्चा अभी हाल ही में हुई थी, जहां पे रेवाड़ी का गांव निमोट है और इसकी भावना और पलवल के गांव औरंगाबाद से आकाश के पिता ने लाइब्रेरी बनवाने की अपील की थी और यहां पे सीएम ने मंजूरी दे दी और यहां पे बनने वाली है लाइब्रेरी। तो मतलब पूछा जा सकता है BOCW के तहत हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर लाइब्रेरी बनेगी, तो रेवाड़ी के अंदर बनेगी, रेवाड़ी के गांव निमोट में बनेगी और इसके अलावा पलवल के गांव औरंगाबाद में बनेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये आपकी स्कॉलरशिप हुआ करती थी, तीनों कैटेगरी के अंदर अलग अलग थी, अब तीनों ही श्रेणी के अंदर जो है ना 10,000 रुपये हो चुकी है, मतलब तीनों ही श्रेणी के अंदर स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया गया है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हुई। अगली बात इंपॉर्टेंट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का इंटरनेशनल बैकलॉरेट के साथ MOU भी हुआ है। ठीक है ना, अब बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाई है तो उसके साथ ही इसको क्वेश्चन कह दीजिएगा या अलग से आप इसको साथ ही पढ़ लीजिएगा कि हरियाणा जो आपका एजुकेशन बोर्ड है या इसको हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से इसको हम लोग जाना करते हैं, तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना वो किसके साथ में समझौता किया है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो इन्होंने जो है ना अभी हाल ही में समझौता किया है किसके साथ में, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ में जो है ना ये समझौता किया है, ये बात आप लोगों को जो है ना याद रखनी है। अच्छा, हरियाणा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? कंवर पाल गुज्जर है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है कंवर पाल गुज्जर। हरियाणा के जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, छात्र छात्रा हैं, इनको हायर एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ में MOU किया है, और कंवरपाल गुज्जर ने गुरुग्राम के पाथवेज स्कूल में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो फाइनल हस्ताक्षर किए हैं, ये तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, इसमें 2-3 बातें और भी आपको समझने के लिए हो सकती है। हरियाणा में शिक्षा स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ में ये MOU हुआ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो स्कूल है उसके अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं या टीचर जो पढ़ा रहे हैं, इन दोनों के लिए ही इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब टीचर्स बेसिकली क्या करें, टीचर्स को मेनली यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की जो है एजुकेशन दे सके।
अच्छा, ये तो चलो ठीक है, हमारे पास में सब बात समझ में आती है, लेकिन ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो, कभी भी आपसे पूछा जाए कि HBSE, ठीक है ना, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 के अंदर हुई थी, और इस स्टार्टिंग में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ के अंदर हुई थी, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? पीयू के सहयोग से हुई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जब स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो 100 स्टाफ के साथ में इसको स्टार्ट किया गया था। अच्छा, इसके बाद में जो है ना 1970 के अंदर, 1970 के अंदर जो है ना, वो 10वीं की परीक्षा हुई थी, ठीक है ना। इसके अंदर इसी के मतलब 10वीं की परीक्षा है, उसको बोर्ड के तहत जोड़ लीजिएगा या कैसे भी इसको जो है ना ऐड किया गया। इसी के अंडर जो है ना 1976 के अंदर 8वीं की परीक्षा को जोड़ा गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसी के अलावा जो है ना, आप याद रखना कि 1981 के अंदर जो है ना, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहाँ से? चंडीगढ़ से लेके, और इसको भिवानी ले आए थे हम लोग, ठीक है ना। चंडीगढ़ में इसको शिफ्ट कर दिया था, चंडीगढ़ से और भिवानी में ले आए हम। अच्छा, इसके बाद में जो है ना 1985 की बात है, 1985 के दौरान जो है ना, ये हमारी एक नई एजुकेशन प्रणाली आई है उस टाइम पे, 85-86 के अंदर आई होगी ये, राजीव गांधी की सरकार चल रही थी उस टाइम पे, जब 10+2 वाली, और 10+2 की प्रक्रिया जो है ना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर ऐड की गई थी 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। और एक बात और याद करते हैं कि 1990 के अंदर जो है ना, इसमें वोकेशनल एग्ज़ाम यानी कि जो व्यावसायिक परीक्षाएं होती है वो भी इसमें जोड़ दी गई। इसके अलावा और बात याद कर सकते हो आप लोग, 1994 के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, हरियाणा ओपन बोर्ड, हरियाणा ओपन बोर्ड है वो इसके अंदर शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट, 2006 में पहली बार भारत का ऐसा बोर्ड बना जिसने सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट की थी, तो करके भी इम्पॉर्टेंट हो गया ये। और इसके जो चेयरपर्सन है ना, वो अभी पहले तो इसके थे जगबीर सिंह थे, और अभी जो इसके चेयरपर्सन हैं वो याद रखिएगा, वीपी यादव है, इसके शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है वीपी यादव है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये भिवानी के अंदर पड़ता है, तो ज़रूर याद रखना। अच्छा, भिवानी को आप लोग ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाहर नवोदय विद्यालय से भी याद कर सकते हो, जब इसमें ये पढ़ लिया तो हमने, यहाँ पे एक देवराला गांव है, वहाँ पे ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है ना, देवराला गांव के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है कि हरियाणा में मशरूम कंपोस्ट यूनिट लगाने पर जो अनुदान है ना वो कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो हरियाणा के अंदर जो मशरूम कंपोस्ट लगाने के लिए अनुदान जो है ना स्पेशली, वो दिया जाएगा, कितना अनुदान दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 40% का अनुदान जो है ना वो दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मशरूम कंपोस्ट लगाने पर हरियाणा सरकार 40% अनुदान देगी, यानी कि बागवानी विभाग 20 लाख रुपए की बड़ी यूनिट लगाने पर किसान को 8 लाख रुपए 40% का अनुदान देगी। इसके अलावा कोई किसान छोटी यूनिट लगाना चाहे तो इसकी लागत 30,000 रुपये ही है, उसके आधार पे भी उसको 40% का अनुदान देगी। तो ये बात याद रखना चाहिए, हरियाणा में मशरूम सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है, तो सोनीपत के अंदर होता है, ये बात आप याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मशरूम होता है सोनीपत जिले के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो सवाल हमारा बन सकता है वो क्या है कि हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला सरस्वती रिवर फ्रंट है ना वो बनेगा। सरस्वती रिवर फ्रंट जो है ना हरियाणा का पहला बनने वाला है पेहवा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है पेहवा, आप लोगों को सबको अच्छे से पता है कहां पड़ता है पेहवा, पड़ता है जी कुरुक्षेत्र के अंदर। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, सरस्वती नदी जो है ना ये कहाँ से निकली है, अगर आपसे कोई यही पूछ लिया जाए कि सरस्वती नदी निकली कहाँ से है, तो सरस्वती नदी निकली है हमारे हरियाणा के अंदर, मतलब दोबारा से जो निकली है ना वो एक जिला है यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर गांव मुस्तफ़ाबाद, और मुस्तफ़ाबाद का नाम अब सरस्वती नगर कर दिया गया है। वैसे तो इसका आदि बद्री से ही जन्म स्थान है, यमुनानगर से ही, ठीक है ना, लेकिन इस पे रिवर फ्रंट अब बनने वाला है पेहवा के अंदर। काफ़ी प्यारा सवाल हो सकता है ये, विश्व प्रसिद्ध पिहोवा तीर्थ बनने में प्रदेश का प्रथम रिवर फ्रंट बनेगा, सरस्वती रिवर फ्रंट बनेगा, इसको बनाएगा कौन? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ का बजट है इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। इस रिवर फ्रंट के 1 किलोमीटर एरिया के अंदर सौंदर्यकरण करने के साथ साथ 50-50 फीट के घाट बनाए जाएंगे,
और इसी जगह से कहा जाता है किसी ज़माने में नदी निकलती थी ये, इस करके ये आपका जो जगह है ना इसको यूटिलाइज किया जाएगा ताकि भविष्य में इसका यूज़ किया जा सके। अच्छा, आप लोगों को वैसे भी सबको अच्छे से पता है कि सरस्वती नदी का एक हेरिटेज बोर्ड है ना, ये कब बना था, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। ये साल 2015 का बना हुआ बोर्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साल 2015 का बोर्ड बना है, अध्यक्ष इसके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही है और इसके उपाध्यक्ष का नाम धुमन सिंह किरमच है, ठीक है। अभी कुरुक्षेत्र वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कुछ तीर्थों के चलते हुए, जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर आपको याद होगा प्राची तीर्थ भी तो पड़ता है, ठीक है ना। प्राची तीर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये एक कामोधा नाम का तीर्थ पड़ता है, ठीक है ना, कामोधा नाम का तीर्थ पड़ता है, बंगाली साधुओं के लिए फेमस है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो है ना एक नरकात्री, नरकात्री नाम का तीर्थ भी पड़ता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो है ना वो वाल्मीकि आश्रम भी है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र के अंदर वाल्मीकि आश्रम भी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है इस वाल्मीकि आश्रम में ना लक्ष्मण दास महाराज थे, उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। कुरुक्षेत्र के अंदर एक पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, काली कमली वाले का डेरा है, बाबा काली कमली वाले का डेरा है, ये संत विशुदानंद जी महाराज है उनसे जुड़ा हुआ है ये। कुरुक्षेत्र के अंदर एक कमलनाथ तीर्थ भी है, कमलनाथ तीर्थ भी इंपॉर्टेंट है। सन्निहित सरोवर भी आप लोग जानते होंगे, सन्निहित तीर्थ भी है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहा करते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो है ना एक गोड़िया मठ भी है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये बंगाली साधुओं के लिए है, ये भी बड़ा फेमस हुआ है यहाँ पे ही। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। कुरुक्षेत्र के अंदर वैसे भी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, कहने का सेंस ये है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास में जो है वो क्या रहे। अरे एक बात और बताता हूँ मैं आपको, कुरुक्षेत्र के अंदर ही ये जो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी का पैक्ड बॉटल के रूप में भी हरियाणा सरकार पानी बेचेगी। ये थोड़े दिन पहले मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा, पैक्ड बॉटल के रूप में हरियाणा सरकार जो है ना वो पानी बेचने के लिए कोशिश करेगी। तो ये भी अगेन आपके एग्जाम प्रस्पेक्टिव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं हम लोग, और अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन बन सकता है वो क्या रहेगा, वो है पुलवामा में आतंकियों को मार गिराने वाले किस जिले के मेजर आदित्य जो है उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। बहुत ही प्यारा सवाल होता है ये वाला। एक तो बेसिक सी बात ही है कि आपको गर्व की बात तो महसूस होती ही होती है कि हरियाणा राज्य से किसी ने कोई इतना अच्छा काम किया, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्सन को ये जो है ना सम्मान मिला है, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मेजर जो है हमारे ये कहाँ के हैं, ये हरियाणा के अंदर जो है ना वो हैं फरीदाबाद जिले के हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको ये मिला है, राष्ट्रपति जी देती है इनको ये सम्मान, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इनको सम्मानित जो है ना किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी द्वारा। फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों को मार गिराने वाले ग्रेटर फरीदाबाद निवासी मेजर आदित्य भदौरिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर भदौरिया कुमाऊं रेजिमेंट के 50वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत हैं। इनकी पोस्टिंग पुलवामा में है और फरीदाबाद के सेंट थॉमस स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और इसके अलावा जो है ना इनको ये याद रखिएगा आप लोग, भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल ने बताया कि 11 मार्च 2022 को मेजर भदौरिया को पुलवामा के गाँव में खूंखार आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी और वहां जाके इन्होंने जो है ना उनको मार गिराया था। इसी करके राष्ट्रपति जी ने उनके अदम्य साहस पर राष्ट्र शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया है। अच्छा, जिक्र हमने फरीदाबाद का किया है, फरीदाबाद ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या घनत्व हरियाणा में सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद का। 2011 के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व 2442 है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम अगर पूछ ले तो सबसे कम है सिरसा का, वो है 303। ये उल्टे सीधे एक जैसे लगेंगे दोनों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा का जो फरीदाबाद है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, इसका क्षेत्रफल है 741.9 स्क्वेयर किलोमीटर जो है ना इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर ना आप विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एक तो खुद ही फरीदाबाद ही है, ठीक है ना, फरीदाबाद यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है। फरीदाबाद से जीते कौन हुए हैं, फरीदाबाद से जीते हुए हैं नरेंद्र गुप्ता, ठीक है, नरेंद्र गुप्ता जीते हुए हैं फरीदाबाद से। अच्छा, इसके अलावा फरीदाबाद जो एक तो फरीदाबाद, एक फरीदाबाद NIT भी है, वहां से जीते हुए हैं नीरज शर्मा, ठीक है, नीरज शर्मा।
इसके अलावा बड़खल है यहाँ पे एक, ठीक है ना, बड़खल बड़खल झील भी इंपॉर्टेंट है, और बड़खल नाम से एक यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ से जीती हुई है सीमा त्रिखा, बहुत फेमस इनका नाम आपने कभी सुना हो तो, ठीक है ना, राजनीति में, ठीक है। इसके अलावा जो है ना तिंगाओ, यहाँ पे तिंगाओ नाम का भी एक विधानसभा क्षेत्र है, तिंगाओ से जीते हुए हैं राजेश, ठीक है ना, राजेश नागर जीते हुए हैं, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा बलरामगढ़ है, ठीक है ना, बलरामगढ़, अब बल्लभगढ़ तो रहा नहीं, बलरामगढ़, और यहाँ से तो मूलचंद जी जीते हुए हैं हरियाणा के अंदर, और मूलचंद जी के पास में आप सभी को पता है कि परिवहन डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट है, चुनाव डिपार्टमेंट भी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इनके पास में है, स्कूल एजुकेशन कंवरपाल जी के पास में है, ये जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना एक बात याद रखना कि फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने सपनों का शहर कहा है। कोई कोई पूछ ले आपसे कि फरीदाबाद को किसने अपने सपनों का शहर कहा, फरीदाबाद को सपनों का शहर कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। फरीदाबाद की वैसे स्थापना जो है ना कब हुई थी, तो फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 1607 के अंदर स्थापना हुई थी, बाबा फरीद खां के द्वारा इसको स्थापना इसकी की गई थी, इसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना करते हैं। ये बाबा फरीद थे, जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे ये, इन्होंने 1607 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना की थी। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ फरीदाबाद फेमस किसके लिए, एक सिंही गांव के लिए है, ठीक है ना, ये अकबर के समकालीन सूरदास जी का स्थल है, और इसको आज के टाइम में आधुनिक टाइम पे जितने भी कवि हैं वो अपना इसको आराध्य स्थल माना करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, जैसे एक YMCA यूनिवर्सिटी है, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसका वास्तविक नाम वर्तमान में है JC बोस जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी, जर्मन के सहयोग से हुई थी, ठीक है ना, और बाद में 1996 में इसमें जर्मन के सहयोग से लैब सेटअप किया गया था, आगे जाके 2009 में इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना हमारा, ये सूरजकुंड मेले के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आपको पता है कि सूरजकुंड मेला लगा था अभी रिसेंटली, 3 फरवरी से लेके 19 फरवरी 2023 तक लगा था, ठीक है, और जिसपे SCO यानी कि संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के देश आए थे, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी जो 8 उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य हैं ना हमारे, वो भी इसके अंदर यहाँ शामिल हुए थे, तो करके भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नाहर सिंह स्टेडियम अगर पूछ ले तो फरीदाबाद है, नाहर सिंह अभ्यारण अगर पूछ ले तो रेवाड़ी कह देना आप लोग, तो ये करके भी इंपॉर्टेंट आता है इस जिले का नाम। बाकी ट्रैक्टर बनाने के मामले में टॉप पे है ये, और इसके अलावा यहाँ पे एक प्लेबैक सिंगर बड़े फेमस है फरीदाबाद के, जिनका नाम सोनू निगम है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक धोज झील, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस जिले का एक मेला बड़ा फेमस है जो कई बार पेपरों में आया, वो है कनुआ का मेला, ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना। बलदेव छठ का मेला भी आता है और एक कनुआ का मेला है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। भारत की फर्स्ट लेडी अवार्ड से सम्मानित और हरियाणा के जींद के जुलाना के गांव मालवी निवासी किस महिला पहलवान की जिंदगी पर बॉलीवुड मूवी बायोपिक बनेगी, तो ये महिला पहलवान है, इनकी जिंदगी पर बॉलीवुड मूवी बायोपिक बनने वाली है, ये महिला पहलवान है कविता दलाल। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, भारत की फर्स्ट लेडी है और ये अवार्ड से सम्मानित और हरियाणा के जींद के जुलाना के गांव मालवी की रहने वाली है, इनकी जिंदगी पर एक बॉलीवुड मूवी बनने वाली है, बायोपिक तैयार होगी ये। कविता दलाल का कहना है कि जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला जीवन और संघर्ष पर फिल्म बन रही है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा इनका। जुलाना खंड के गाँव मालवी की रहने वाली है पहलवान कविता दलाल, बड़ी फेमस पहलवान रही है ये कविता दलाल। साल 2016 में सूट व सलवार में कविता दलाल की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को पटकनी देते एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी ये, उस दौरान ही ये काफ़ी चर्चा में है। इनकी हाइट 5 फिट 11 इंच है, तो कद काठी अच्छा होने के चलते हुए इनका रुझान वेट लिफ्टिंग की तरफ गया है, ठीक है ना। बाकी भी इन्होंने जो है ना वेट लिफ्टिंग में नेशनल गेम्स में कई सारे मेडल भी जीते हैं, ठीक है, और फिलहाल ये आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, जुलाना के छोटे से गाँव मालवी की ये रहने वाली हैं, ठीक है। और 2016 में इन्होंने साउथ एशियाड में कविता ने गोल्ड मेडल जीता था, और इसके अलावा जो है ना 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें फर्स्ट लेडी के अवार्ड से सम्मानित किया था, तो करके भी ये काफ़ी चर्चा में आई थी उस टाइम पे ये, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शूटर अनीस भनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर में कौन सा पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा सर कि स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सवाल का ठीक है।
करनाल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शूटर अनीस कुमार भनवाला 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मैंने आपको कल भी बताए थे, अब ये जारी है और पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको इनका लिस्ट बता दूंगा कि हरियाणा राज्य ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। अनीस अजरबैजान की राजधानी बाकू में भी 9 से 15 मई तक आयोजित सीनियर वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, हालांकि वहाँ पर कोई पदक तो इनको नहीं मिला था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 25 मई से 3 जून तक दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के काफ़ी शूटर जो है ना वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखना, शूटिंग के गेम्स जो है ना वो दिल्ली के अंदर हो ही रहे हैं। कॉमनवेल्थ के अंदर ये गोल्ड जीत चुके हैं। अनीस ने 2023 सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के 25 मीटर रैपिड फायर में 12 साल बाद भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। 2022 में सीनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मिला था। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के अंदर जो आयोजित कॉमनवेल्थ गेम थे वहाँ पे 25 मीटर रैपिड फायर में अनीस ने गोल्ड मेडल जीता है। अनीस अब तक 66 इंटरनेशनल और 30 पदक जो है ना अपने नाम कर चुके हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में सलेमपुर गांव में कितने करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वीटा चिलिंग प्लांट के प्रथम फेज का शिलान्यास किया गया है, तो ये टोटल 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फेज का शिलान्यास किया गया है। ये चिलिंग प्लांट आप लोग सभी जानते होंगे, जिसको परिशीतन कहा करते हैं, कूलिंग प्लांट है ये। हरियाणा के जो मंत्री हैं जिनका नाम है जेपी दलाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है भिवानी जिले के अंदर। ठीक है ना, तो हरियाणा प्रदेश में पूरे मतलब देश में दूध उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे है फिलहाल के लिए, और प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन का कहिएगा आप लोग, या ऐसा कहिएगा आप लोग प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में पंजाब के बाद दूसरे पे हैं हम लोग। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना दूध उत्पादन के लिए हम लोग जो है ना कभी किसी टाइम पे पहले स्थान पे भी थे और आगे आने वाले टाइम पे हम पहले ही स्थान पे होना चाहते हैं, इस करके वीटा चिलिंग प्लांट में चिलिंग प्लांट का पहले फेज का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में यहाँ पे। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा हरियाणा में 1,000 करोड़ की राशि पशु क्रेडिट कार्ड जो है ना बनाए जा चुके हैं, ताकि पशुओं को जितना ज़्यादा लाभ दिया जाए उतना ही ज़्यादा ठीक है। हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ के चेयरमैन का नाम याद रखना रणधीर सिंह है। ठीक है, हाल ही में जारी ईडब्ल्यू इंडिया आर एजुकेशन रैंकिंग में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने 33वीं रैंक हासिल की है, तो इसमें हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 33वीं रैंक हासिल की है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, महेंद्रगढ़ केंद्रीय यूनिवर्सिटी पढ़ती है, पता होगा आपको। और भारत की जो ईडब्ल्यू हायर एजुकेशन रैंकिंग है 2023-24 इसमें जारी हुई, और इसमें इस यूनिवर्सिटी ने इस बार 2022 साल की पूरी रैंकिंग में 39वीं रैंक जो है ना से आगे बढ़ के, पहले 39वीं रैंक थी, इस बार 33वीं रैंक मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग, और ईडब्ल्यू इंडिया पावर हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 में जगह बनाने वाली 2009 में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पे है ये। तो इसी तरह हरियाणा राज्य में विश्वविद्यालय को इसका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है ओवरऑल के मामले में, तो पर आपको ये यूनिवर्सिटी ज़रूर याद रखनी है, 2009 में सेटअप हुई थी। इसके वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, जो कि पूरे भारत में सबसे बेस्ट वीसी का दर्जा इनको मिल चुका है। हाल ही में किसी इंटरनेशनल अमेरिकन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड विकास द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है पवन कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आदमपुर के राजकीय महाविद्यालय के भूगोल के सहायक प्रोफेसर पवन कुमार को इंटरनेशनल अमेरिकन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड विकास के द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रोफेसर पवन कुमार ने पर्यावरण शांति व सतत विकास पर रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। इनके रिसर्च पेपर मैरीना आइलैंड में जारी होने वाले जो है ना इंडेक्स जर्नल में प्रकाशित होने वाला है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ना 10वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मिनिस्ट्री ऑफ प्लांटेशन श्रीलंका के पर्यावरण विज्ञान मंत्रालय के चेयरपर्सन डॉक्टर कृष्णा नत्था पथी राजा, योगा विभाग के फ्लोरिडा अमेरिका के डॉक्टर सुरेशा कैनपाई, इन लोगों के भी रिसर्च पेपर जो है ना शामिल, और के साथ में इन्होंने भी जो ना सम्मानित किया है। ठीक है ना, इनको भी सम्मानित किया गया है साथ के साथ में।
इसी के साथ में ये सेशन होता है समाप्त। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी की महिला कबड्डी टीम ने खेलो इंडिया की चैंपियन बनी है, तो बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं नए करंट अफेयर्स के साथ में, और कल का वीडियो आपके मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा कल से ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना।